हे गाइस क्या चल रहा है भाइयों, स्वागत है माइनक्राफ्ट के कौन है खतरनाक एपिसोड में। और आज का एपिसोड ना सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग माइनक्राफ्ट में तबाही मचाने वाले हैं। मतलब सही में आज हम लोग बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे, वो भी भाई नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में नहीं। आज हम लोग नेदर के अंदर जाएंगे और नेदर के अंदर भाई TNT को ब्लास्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को याद होगा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे TNT बनाए थे, मतलब सही में बहुत सारे TNT। तो आज हम लोग सारे के सारे TNT को नेदर के अंदर ब्लास्ट करेंगे और नेदर राइट को ढूंढने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक साथ हम लोग कम से कम 1000 TNT को ब्लास्ट करेंगे। तो समझ रहे हो भाई पूरा नेदर का क्या हाल होने वाला है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, इस वीडियो को पूरा देखना। आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ यार, लाइक कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भी 2 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये है हमारा TNT हाउस या फिर रूम या फैक्ट्री, जो भी आप लोग बोलो। तो देख रहे हो कितना ज्यादा सही वाला मैंने इसका डिजाइन बनाया था, एंड मैंने बहुत सारे TNT बना लिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो, एक चेस्ट भर के TNT, और ये ही नहीं नीचे वाली चेस्ट में भी बहुत सारे TNT है। तो समझ रहे हो अगर हम लोगों ने इतने TNT को भाई नेदर के अंदर जाके ब्लास्ट किया तो उन नेदर का भाई क्या हाल होने वाला है। तो मैंने पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखी है नेदर में जाने के लिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें रख ली, एंड मुझे लगता है इतनी चीजों से अपना आराम से काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ फायर रेसिस्टेंस भाई रख लिया है, एंड मैंने इसको भाई थोड़ा सा अपग्रेड, मतलब मैंने यहाँ पे भाई फायर प्रोटेक्शन पोशन रख लिया मेरे पास तीन, एंड तीन अभी मेरे पास और चेस्ट में पड़े हैं। ये मेरे को मिले थे पिगलिन से जब मैंने भाई की थी ट्रेड, तब मेरे को मिले थे, मैंने उनको गोल्ड दिया था एंड मेरे को उनने भाई ये पोशन दिया था। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे काफी सारा खाना ले लिया, क्योंकि नेदर के अंदर माइनिंग करेंगे, माइनिंग तो क्या ही करेंगे, तबाही मचाएंगे। तो उस टाइम पे भी अपने को बहुत ज्यादा भूख लगने वाले, इसलिए हम लोग ने काफी ज्यादा खाना रख लिया है। गोल्डन कैरेट भी मैंने यहाँ पे रख लिया है, तो मुझे पता चला था कि गोल्डन कैरेट से हमारी हेल्थ थोड़ा जल्दी बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कैरेट को रख लिया है। एंड साथ ही साथ मैंने टॉर्च, फ्लिंट, जो भी भाई बेसिक चीज है सारी चीजें रख ली है। तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज दिखा दूं, आप लोग को याद होगा हम लोगों ने जो हमारा अनलिमिटेड गोल्ड का फार्म है वहीं से रास्ता है नेदर के अंदर जाने का। तो मैंने यहां पे थोड़े से चेंजेस कर दिए, मैंने उसको भाई अभी के लिए भाई बंद कर दिया है। तो मैंने इसको यहां पे तोड़ दिया है, तो भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहां से अंदर होते हुए जाता ना तो भाई मेरी मौत पक्की है, ये लोग मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने यहां पे नेदर पोर्टल बना दिया है, एंड अभी आप लोग देख सकते हो चारों तरफ यहां पे पिगलिन आ रहे हैं, और यहां पे भाई देख रहे हो आयरन गोलम की पूरी आर्मी है। पता नहीं इतने आयरन गोलम कैसे स्पॉन हुए, अभी तो बहुत ही कम थे। तो ये आयरन गोलम इनको पेलने में लगे पड़े, मैं एक काम करता हूं फ्री फंड की एक्सपी उठा लेता हूं, बस ये मेरे को ना मार दे, क्योंकि कभी कभी इनका दिमाग फट जाता है, ये मेरे को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहां से जाने वाले नेदर के अंदर। हाँ, मैंने ऊपर भाई देख रहे हो थोड़े से भाई यहाँ पे मैंने पंपकिन लगा रखे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाला डिजाइन दे रहे हैं। तो इधर से मैं आप लोग को दिखा दूं, तो पहले मैंने इनको शेर से भाई थोड़ा सा खतरनाक वाला डिजाइन दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये देखो, देख रहे हो क्या ही खतरनाक वाला डिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक, और इनसे तो दूर ही रहना भाई। मेरी एक्सपी कुछ ज्यादा ही, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी एक्सपी कम होने वाली, मतलब देख रहे हो 112 है अभी तक, पर नेदर में यार बहुत ज्यादा खतरा होता है और मुझे लगता है आज हमारी एक्सपी कम होने वाली है, और ऊपर से हम ऐसी तबाही मचाने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं और हम लोग बहुत सारे TNT ले लेते हैं। आज हमें बस TNT ब्लास्ट करने और कुछ भी नहीं करना है, और कैसे भी करके ना एशियन डेब्रिस ढूंढना है, मतलब भाई हम लोग को नेदरराइट का पूरा सूट बनाना है, मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा नेदरराइट चाहिए, और कैसे भी करके ढूंढेंगे, जब तक मिलेगा नहीं भाई वापस नहीं आने वाले, आज ढूंढ के ही रहेंगे। तो फटाफट से मैं यहां से बहुत सारे TNT ले लेता हूं, मतलब जितने हम लोग लेके जा सकते हैं। तो मैंने यहां पे काफी सारे TNT लेने, एक मिनट रुको, मैं और भी ले सकता हूं, ओके ये भी हटा दो 64। तो मैं एक काम करता हूं, अभी हम लोग इतने लेके चलते हैं, बाद में हम लोग दोबारा आ जाएंगे यहां पे लेने। एंड मैंने जो मेरा नेदर पोर्टल है ना उसके आसपास ही माइनिंग करने वाला हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ज्यादा दूर चला गया मेरे को नेदरराइट मिल गया तो भाई वापस आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, कभी कभी पिगलिन हम पे अटैक भी कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा दूर नहीं रहूंगा, मैं भाई पास में ही माइनिंग करने वाला हूं, वहीं पे मैं TNT लगा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं लेवल 4 या लेवल 12 तक माइनिंग करने वाला हूं, उसके बाद मैं TNT को ब्लास्ट करूंगा। तो उसी टाइम मैं फायर प्रोटेक्शन, जो भी मैंने भाई फायर ऑफ रेसिस्टेंट है उसको मैं भाई पी लूंगा, जिससे भाई मैं आग में अगर लावा में गिर जाता हूँ तो मेरे को कुछ भी होना। एक सेकंड रुको, मैंने गोल्ड पहन रखा है ना, ओके गोल्ड मैंने पहन रखा है। एंड अभी अपन लोग, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नेदर के अंदर। थोड़ा सा डर लग रहा है पिगलिन को दिखा, क्या भाई दिमाग, ओके मुझे लगा मुझे मारने आ रहा है, ओके तो अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया है, और मेरे को यहाँ आयरन गोलम दिख रहे हैं। अबे भाई ये कैसे आए, अच्छा मुझे लगता है कि आयरन गोलम उसके अंदर एंटर करके होंगे, पिगलिन को मारते काफी सारे आयरन गोलम यहाँ पे आ चुके हैं। चलो अच्छा है, मेरे को यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखो
भाई कितने आयरन गोलम है, पिगलिन की जगह आयरन गोलम तो नहीं आने वाले हो? कहीं ऐसा हो गोल्ड की जगह मुझे आयरन का फार्म बनाना पड़ेगा। देख लो कितने सारे आयरन गोलम है, ये सारे क्या सारे इसी से अंदर आ गए होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे लावा कैसे आया, तो मैं तुम लोग को थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। जब मैं पहले इसमें एंटर कर रहा था तो यहाँ चारों तरफ पिगलिन ही पिगलिन थे, मैंने थोड़े से चेंजेस किए, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे पिगलिन थे, तो मैंने यहाँ पे लावा डाल दिया, जिससे सारे के सारे पिगलिन अभी के लिए भाई मर गए। यहाँ पे नीचे की साइड बहुत सारे पिगलिन है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो मैं नेदर के अंदर आ ही नहीं पाता। बहुत ज्यादा पिगलिन यहाँ पे स्पॉन हो रहे थे, जैसे हमारा यहाँ से काम हो जाएगा मैं दोबारा से यहाँ से लावा हटा दूंगा एंड पिगलिन दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। पर अभी मुझे पिगलिन नहीं चाहिए, तो अभी हम लोग जल्दी से ऊपर के साइड चलते हैं। तो आप लोग को याद होगा हम लोगों ने यहाँ से रास्ता बनाया था, और ये देखो कहाँ कहाँ भैया आयरन गोलम घूम रहे, कुछ भी चल रहा है। तो ये वाला हम लोगों ने रास्ता बनाया था जब हम लोग नेदर के अंदर आए थे, आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर देखा होगा ना। और मुझे पता है आजकल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, पर बहुत जल्द मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। लोको ऐप पे टेंशन मत लेना, बाकी सॉरी यार। और कमेंट करके बता देना कितने लोग लोको ऐप पे भाई को मतलब मिस कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करना। तो जल्दी जल्दी इसे चलते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यार उधर से माइनिंग स्टार्ट करें या फिर इधर से करें। चलो एक काम कर देना, पीछे से ही करनी चाहिए ज़्यादा, अगर मैं आगे जाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही करते हैं, यहाँ से मैं नीचे की साइड जाता हूँ एंड मैं 12 या फिर 14 लेवल तक पहले माइनिंग करूँगा एंड वहाँ पे एक TNT लगा लूँगा थोड़ी सी जगह बना के। और मेरे पास शील्ड है ना, ओके शील्ड मेरे पास है, ओके मैं एक स्टैक और ला सकता था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा, अगर मैं लावा में गिर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब मरूंगा तो नहीं। ओके लावा है शायद यहाँ पे, ओके यहाँ पे लावा है, ओके लावा है यहाँ पे, ओके मैं भाई देखो बच गया। अभी मैंने भाई पोशन नहीं पिया होता मेरा काम हो जाता, पक्का मेरा काम हो जाता। एक सेकंड रुको, हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे लावा नहीं है, यहाँ पे मैग्मा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ हम लोग पहले एक ऐसे करके लगा लेते हैं। ओके एक काम करते हैं ना, हम लोग इधर तोड़ते हैं। ओके तो हम लोग ऊपर यहाँ से आए हैं, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से इधर खड़े होना है मेरे को। मैं एक काम करता हूँ ना, पीछे के साइड में लगा के ना यहाँ पे थोड़ी सी माइनिंग मैं और कर देता हूँ इधर को। बहुत सही, एंड लावा आ सकता है, ओके इतना काफ़ी है, मुझे लगता है इतने मेरा काम हो जाएगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 अभी ब्लास्ट होने वाला है ये। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड चल देते हैं यहाँ से। ओ भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा रहा कुछ नहीं हुआ। ओके एक मिनट रुको ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लावा आ रहा है, मेरे को चार तरफ देखना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको ओके यहाँ पे कुछ है क्या? मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड इसको तोड़ो, इसको हटा दे दो मैं यार, इसको हटा दो। ये क्या चीज़ है? इसको हटाएं। ओके ये तो नैदर रैक ही है यार, ये ब्लैक ब्लैक क्या चीज़ है? ओके मुझे लगता है ये कुछ, एक सेकंड रुको, ये क्या न्यू रेसिपी अनलॉक हुई? एक सेकंड रुको, ब्लैक स्टोन है। ओके ब्लैक स्टोन को मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ एंड मुझे ना यार थोड़े ना उठाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मैं सामान कौन सा गिरा दूँ? चलो कोई सा सामान नहीं गिराते मेरे को ना, एक मिनट रुको, मैं ऐसा ना उसको गिरा नहीं सकता क्योंकि कोवेस्टोन मेरे बहुत काम आने वाले हैं। ओके कोवेस्टोन मेरे बहुत काम आएंगे, तो मेरे को लावा को ना यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। जब तक मैं लावा को बंद नहीं करूँगा ना, तब तक मैं देख नहीं पाऊँगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। अभी लावा में मैं गिरना चाहूँ, वैसे कुछ होने वाला तो नहीं है मुझे, पर फिर भी यार देखो होगी तो गाइस। अभी यहाँ पे लावा भाई ख़त्म होने ही वाला है, अरे भाई हो जा कितनी देर में होगा ख़त्म। एक काम करते हैं हम लोग साइड से चलते हैं, और मैं ना एक काम करता हूँ, हम लोग कौन से लेवल पे, मैं अगर चेक कर लेता हूँ, हम लोग 9 लेवल पे, तो 9 पे तो देखो यार कुछ मिलने वाला है नहीं। एक काम करो ना, ऊपर की साइड चलो एंड इधर माइनिंग करो। एंड अभी हम लोग कौन से लेवल पे हैं? 12 पे हैं, तो मुझे लगता है हम लोग को यहाँ पे इसको रखना चाहिए, और एक नहीं हम लोग ना दो रखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके मैंने इसको गलती से तोड़ दिया, ओके अब सही है। एंड अब भागो 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 भागो, अभी हम लोग को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इससे। एंड हम लोग ना ऐसे रहने वाले हैं यहाँ पे क्या? ओके बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला फटा है, ओ भाई ओके पूरे में लावा ही लावा आ गया। तो मेरे को थोड़ा सा आगे चल के चेक करना पड़ेगा, शायद हम लोग को यहाँ कुछ मिल जाए। ओके नहीं मिला भाई, ऐसे नहीं मिलने वाला, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा TNT ब्लास्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मिलने वाला मुझे लग रहा है। फ्लिंट हम लोग को मिला, पर फ्लिंट की हम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है, फ्लिंट की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि भाई 8 मिनट तक ही है मेरे पास पोशन, 8 मिनट के बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक सेकंड रुको यार, पहले ना एक काम करेंगे हम लोग यहाँ ना यहाँ लगाएंगे। मेरे को पता है यार बहुत ज़्यादा लावा है, तो लावा को यहाँ पे बंद कर दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बंद करने की।
कि शायद, ओ भाई बच गया बच गया बच गया, मुझे लगा भाई मैं ऊंचाई से गिरा हूँ, ऊंचाई से नहीं गिरा हूँ मैं। हाँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग चल्लू करके भागो 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 भागो। ओके अभी तक हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है क्योंकि अभी हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। ओके ओके फ्लिंट है वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही चीज़ नीचे गिरा है। ओके गाइस अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। मैं एक काम करता रहा, बहुत सारे TNT एक साथ यहाँ पे ब्लास्ट करता हूँ, बहुत सारे TNT। ठीक है कौन से हम लोग कौन से अभी तक फेस पे हैं, 10 पे है ना, 10 पे तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे बहुत सारे रखने वाला हूँ क्योंकि देख रहे हो कितने सारे मैं रख रहा हूँ। एंड इतने सारे रखने से ना मेरा गेम भी क्रैश हो सकता है, एंड अभी मुझे लगता है ना बहुत ही गंदी वाली दवाई मचने वाली है। ओके तो गाइस मुझे ना एक एशियन डेब्रिस शायद अभी दिखाई दिया है, एक अभी मुझे दिखाई दिया है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली दवाई मचने वाली। मैंने लाइन से कितने सारे रख दिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा अंदर तक गया होगा। एक सेकंड रुको, मैंने यहाँ तोड़ दिया, मुझे अभी यहाँ पे कुछ तो दिखाई दिया। एक सेकंड, ओ भाई यहाँ पे था मैं, यहाँ पे देखो कोवर स्टोन लगा के नीचे आया हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब देख रहे हो कोवर स्टोन लगा के मैं यहाँ से नीचे आ रखा हूँ। ये देखो बिल्कुल मेरे बगल में ही था ये, मतलब हद है भाई, ये देख रहे हो। अबे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक मिनट रुको, एक सेकंड एक सेकंड, मैं इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अरे यार ये क्यों, ओ मैंने कुछ फेंक दिया। ओ भाई फाइनली हमारी न्यू रेसिपी अनलॉक हो चुकी है क्योंकि हम लोग को मिला है एशियन डेब्रिस, और ये मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी। एक मिनट रुको इसको उठाओ, एंड मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी एक ये बॉटल गिरानी पड़ेगी ये। ओ भाई एक और है नीचे, एक और है नीचे भाई, ये क्या खतरनाक वाला सीन हो गया। एक सेकंड रुको इसको यहाँ हटाओ, एंड किधर गए किधर गए, मेरी पिकेक्स किधर गई, ये एक और है जस्ट उसके नीचे, मतलब ओ तेरी सीरियसली भाई, तीन तीन, मतलब अभी मेरे को एक भी नहीं दिख रहा था भाई, तीन तीन मेरे को मिल गया एक साथ, मतलब एक साथ नहीं दो एक साथ मिले, एंड एक थोड़ा सा ऊपर था। एक मिनट देखो मेरे को तीन एशियन डेब्रिस मिल चुके हैं भाई, मतलब अलग ही लेवल का सीन, मेरे को आज तक तीन एक साथ नहीं मिले, मेरे को पहली बार मिले हैं। एक सेकंड रुको मेरे को ना यहाँ पे कोबलस्टोन रखना, ये हटा दो, मैं गलती से इसे ना गिरा दूँ भाई, बहुत ही मतलब देख रहे हो मैं यहाँ से नीचे उतर के आया हूँ, यहाँ से शायद नीचे मैं उतर के आया, और मैंने यहाँ पे लगाया भी था TNT पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देख रहे हो गंदा ही सीन हो रखा है। एक सेकंड रुको मुझे लगता है आगे भी हो सकता है, मेरे को ध्यान से चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ तो चेक किया ही नहीं था। ओके यहाँ पे कुछ, ओहो एक और मिल गया भाई, क्या ही गंदा वाला सीन है। ओके फाइनल मेरे को चार एशियन डेब्रिस यहाँ पे मिल चुके हैं, और है क्या इसके नीचे। ओके बैड रॉक तक आ गया भाई, बैड रॉक यहाँ आऊँगा ना इससे नीचे चला जाऊँगा मैं, पर मुझे इससे नीचे लगाने नहीं है, वो तो अच्छा है कि एशियन डेब्रिस टूटते उठते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, मतलब अलग ही लेवल की खुशी हो रही है, अलग ही लेवल की खुशी। मैं इसको फटाफट से कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ना मेरे साथ, ओ भाई ओ भाई ओ भाई मैं मर भी सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ अगर ऐसे मैं करता हूँ। चार एशियन डेब्रिस मेरे पास हो चुके हैं फाइनली, एंड मुझे लगता है ना अभी मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, शायद अभी कोई नहीं मिलेगा तो अभी मेरे को ना यहाँ से निकलना चाहिए, और मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर जाके ना इसको चार को ना चेस्ट में रख के आने वाला हूँ। ओके कोई छूट तो नहीं जाए यहाँ के, मैं चारों तरफ नज़र डाल लेता हूँ अच्छे से। ओके लावा के पास बिल्कुल नहीं जाना, अभी मैं फटाफट से निकलता हूँ क्योंकि कभी भी मेरा पोशन यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, एंड कभी भी मेरी बैंड बच सकती है। तो मैं किधर से आया था मेरे को एक बार देखने दो। ओके हम लोग शायद यहाँ से आए थे, ओके हाँ इधर ही से आए थे हम लोग, इधर ही से आए थे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके ओके मैंने यहाँ पे बॉटल वगैरह तो ड्रॉप की थी, एंड अभी मुझे ना ऊपर जाना है, यहाँ कहीं से हम लोग ऊपर से, ओके यहाँ से आए थे हम लोग, आई थिंक यहीं से आए थे, हाँ यहीं से आए थे। अभी मेरे को ना यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए मेरे को बहुत सारा लगने वाला है, कोवर स्टोन मेरे पास है। ओके मेरा बहुत ज़्यादा नेदर रह गया, इसको हटाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा नेदर रह गया, मैं आराम से ऊपर जा सकता हूँ, आराम से जा सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी से पहले ऊपर चलते हैं, एंड मैं पहले एशियन डेब्रिस को पहले चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
होगी। तो गाइस में जो मेरे पास एशियंट एवरेज थे मैं उन्हें चेस्ट में रख के आ चुका हूँ एंड मैं अभी फिर से माइनिंग कर रहा हूँ, जहाँ भी मैंने माइनिंग कर दी उसके बगल में ही कर रहा हूँ। एंड अभी हम लोग ना 12 लेवल तक जाएंगे। ओके यहाँ पे लावा नहीं, मेरे को डर लग गया, मेरे को लावा आ गया। तो अभी हम लोग 12 लेवल तक जाएंगे एंड वहाँ पे जाके TNT लगाने वाले हैं। और मैं एक साथ ना 5 TNT लगाऊंगा, मैं अब एक नहीं लगाऊंगा क्योंकि पहले मैंने 4 लगाए तो मेरे को 2 मिले भाई एक साथ एशियंट एवरेज, तो मैं वही काम करने वाला हूँ। ओके 13 अब 12 पे आ गए, बहुत सही। ओके आराम आराम से एक एक तोड़ना है भाई। एक सेकंड रुको, मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ एंड इसको तोड़ो। ओके ओके एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, और इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। एंड इधर भी मैं ना सेम ऐसे ही तोड़ने वाला हूँ। इस साइड में ना मैं जगह बनाने वाला हूँ और दोनों साइड एक एक करके मैं लगाऊँ TNT। एक साइड नहीं लगाऊँ, दोनों साइड लगा लूँगा। ओके बहुत सही। एंड अभी हम काम क्या करेंगे ना, इस साइड चल के लगा देते हैं होगी। तो अभी हम लोग ना इस साइड TNT लगाने वाले हैं जितना हम लोग दूर लगा सकते हैं। ओके बहुत सही। ओके इतना TNT मुझे लगता है काफ़ी, इतने से काम हो जाएगा। या फिर एक साथ मैं 3 लगा देता हूँ, एक काम करते ना 3 लगा देता हूँ। फ्लिंट को मैंने ऊपर रख दिया एंड इसको अभी नीचे रखना पड़ेगा। TNT को ऊपर की साइड रख लेते हैं, इसको लो इस वाले हाथ में एंड फ्लिंट को ऑन करके मेरे को पीछे को भागना है। ओहो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ओके अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है भाई, हम लोग को नेदरराइट मिलता है या फिर लावा मिलता है, ये तो अभी अपने को पता चलने वाला है। ओके 1 2 3 ओके 3, तो हमारे तीनों की तीनों बॉम्ब ब्लास्ट हो चुकी है और लावा आ रहा है भाई, लावा आ रहा है, लावा आ रहा है, लावा आ रहा है। तो उसका मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे 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 एक मिनट, एक सेकेंड। तो हम लोग को चलो एशियन डैवरेज नहीं मिला पर हम लोग को गोल्ड दिख गया है, पर मैं इधर उधर आसपास भाई अच्छे से चेक कर लूँगा। तो मैं जाता हूँ ना उसको भाई ऑन करके आता हूँ। इसके लिए मेरे को यहाँ सब में रास्ता बनाना पड़ेगा एंड अभी ना एक बीच वाला, ओ भाग 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 भाग। ओके अभी पता नहीं क्या ही होने वाला है, एक साथ इतने सारे TNT मैंने भाई पहली बार लगाए हैं वो भी नेदर के अंदर। ओके ओ भाई देख रहे हो क्या ही गंदी वाली दवाई मची। तो बाहर चल के देखते हैं क्या ही हुआ है। ओके कहीं से लावा तो नहीं आ रहा। ओके यहाँ से लावा आना स्टार्ट हुआ है, एक सेकेंड रुको। ओके कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने उसी जगह पे शायद हम लोगों ने माइनिंग की है। मुझे लगता है हम लोग को अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और मैं ना अभी गोल्ड को भी लेने वाला नहीं हूँ, यहाँ गोल्ड है पर मैं गोल्ड को नहीं मिलूंगा क्योंकि गोल्ड तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। तो गोल्ड तो मैं लेने वाला नहीं हूँ, मेरे को ना दूसरी लोकेशन पर जाना है। तो अभी हम लोग ऊपर यहाँ से आए थे एंड अभी एक काम करते हैं ना, जल्दी जल्दी से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं और दूसरी जगह पर जाके माइनिंग करते हैं। होगी तो गाइस अभी हम लोग दूसरी जगह पे माइनिंग कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने माइनिंग की थी उससे बहुत अलग जगह पे माइनिंग कर रहे हैं एंड मेरे को यहाँ पे गोल्ड भी दिखा। तो मैं काम करता हूँ, गोल्ड को भी यार हम लोग माइन कर ही लेते हैं जब हम लोग इतना ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। तो एक सेकेंड रुको। ओके बहुत आराम से अपने को गोल्ड मिल जा रहा है। ओके बहुत सही, अरे यहाँ तो बहुत सारा गोल्ड है यार। एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, 54 तक हम लोग को 12 तक जाना है। एंड भाई एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो की नहीं, मैंने भाई पोशन तो पिया ही नहीं। बिना पोशन पिए भाई मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने, मैं हद देख रहे हो। अगर मैं पोशन को ना पी और भाई नीचे माइनिंग कर दे चला जाओ, नीचे लावा निकला है ना, बैंड बच जानी भाई मेरे नीचे। 40 देख रहे हो, 30 कितनी तेज़ी से हम लोग नीचे जा रहे हैं, लावा में ना गिर जाओ। ओके बहुत सही, ओके मैग्मा आ गया यहाँ पे, बहुत सही बहुत सही। कहाँ पे आ गए? 21 ओके 18 17 16 15 14 13 12 ओके। तो मुझे लगता है हम लोग को ना इधर माइनिंग करनी चाहिए। और ये वाली पिकैक्स ना यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई है। एक सेकंड रुको यार, इसको यहाँ हटा दो। बॉटल को तो मैं फेंक ही देता हूँ, बॉटल तो मेरे को मिल ही जाते हैं नॉर्मली। एक सेकंड रुको हम लोग, एक सेकंड कौन सी वाली पिकैक्स हम यूज़ कर रहे हैं? ओके फॉर्चून 3 की तो यूज़ करनी ही नहीं है, इसको अभी हटा दो एंड ओके माइन करते हुए चलते हैं। मुझे लगता है ना इतना काफ़ी है यार, थोड़ा सा उस साइड पर माइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मेरे को ना थोड़ी थोड़ी दोनों साइड ना थोड़ी थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी जिससे मैं जब TNT लगाऊंगा ना तो मैं ना दूसरी साइड जाके आराम से कवर में खड़ा हो पाऊँ। तो मैं काम करता हूँ ना यहाँ पे भी मैं थोड़ा माइन कर लेता हूँ। ओके इतना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से, ओके इतना काफ़ी रहेगा। तो मैं काम करता हूँ ना जल्दी जल्दी से TNT लगा देता हूँ। ओके तो TNT को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, फ्लिंट को हम लोग नीचे के साइड रख लेते हैं। TNT ना अपने पास कुछ ज़्यादा ही है यार। ओके काम करते ना, पहले तो मैं ना सबसे पहले 2 लगाता हूँ। ओके आराम से आराम से आराम से, मेरे गेम में ना थोड़ा सा ग्लिच टाइप का चल रहा है जिस वजह से TNT पहले ना गायब सा हो जाता है, देखो ऐसे गायब हो जाता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है, मतलब देखो इनविजिबल TNT। ओके
मतलब पहला टीएनटी ब्लास्ट होते मेरे को पहला भाई देख लो एशियन डैमेज दिखाई दे गया है। एंड मेरे को नीचे भाई कोई लावा तो नहीं है आराम से भाई आराम। ओके देखो कुछ और तो नहीं है यहाँ पे, एक दो और मिल जाए ना मज़ा आ जाए। वैसे मेरे को लगता नहीं तीन से ज़्यादा एक साथ मिलते होंगे। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, कहाँ गया भाई कहाँ गया। ओके ये रहा एशियन डैमेज, तो मैं फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे जैसे मेरे को मिलते रहेंगे ना वैसे वैसे मैं इनको रख के आता रहूँगा। किधर गया किधर गया, अबे भाई कहाँ चला गया ये। ओह बगल में ही है मेरे, एक सेकंड रुको इसको तोड़ो 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 तोड़ो। ओके ओ भाई एक साथ दो है, मतलब लक देख रहे हो क्या ही खतरनाक चल रहा है। देखो ग्लिच हो जाता है, मतलब मैं तोड़ता हूँ ना तो टूट तो जाता है पर मेरे को थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। अबे आजा भाई क्या चीज रहा हूँ मैं, एक को ये फेंक देता हूँ। ओके एक सेकंड रुको, ओ भाई दो एशियन डैमेज एक साथ, मतलब लक मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ दे रहा है भाई देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से साथ दे रहा है भाई। चलो 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 एक सेकंड रुको, हम लोग इधर ही से आए थे ना, मुझे लगता है हम लोग घूम फिर के ना वहीं पे आ जा रहे हैं, मतलब घूम फिर के हम लोग उसी साइड आ जा रहे हैं। ओके हम लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग माइन करके गए थे उसी साइड हम लोग घूम फिर के आ जा रहे हैं। यार गोल्ड ना मैं उठाऊँ ही बेकार ही उठाना, तो मैं ना पीछे के साइड पहले लगा देता हूँ ना बहुत सारे टी एन टी लगा के आता हूँ, क्योंकि टी एन टी से क्या होगा। ओ भाई आराम से आराम से आराम से मैं गिर ना जाऊँ। एक काम करते हैं पहले ना किस साइड मेरा जाने का रास्ता है मुझे पहले वो देखना पड़ेगा। ऊपर चले जा भाई एक सेकंड रुको, प्लैंक लगाओ यहाँ पे एंड अभी ऊपर चले जा, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा मैं आया किधर से था। ओके मैं इस साइड से तो नहीं आया ना, चलो मैं इस साइड से नहीं आया ना, मैं तुम्हें तो यहाँ पे टीएनटी भर के जाता हूँ पूरा, पूरी लाइन ना पूरी लाइन टीएनटी की भरता हूँ, उससे लावा आ जाएगा ना खतरनाक तरीके से। ओके इतना काफ़ी है एंड मेरे को ना वहाँ तक जाना पड़ेगा भाग भाग के, तो भाई बहुत ही तेज़ी से मतलब पूरी बहुत ही फुर्ती से भागना पड़ेगा मेरे को, बहुत ही फुर्ती से लावा आ सकता है। एक सेकंड जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके किधर किधर, ओके बहुत सही तो मैं फिलहाल आ चुका हूँ भाई, देख रहे हो क्या ही गंदी वाली मैं तबाही मचा रहा हूँ भाई, धड़म धुड़म की आवाज़ ही आ रही है और लावा ही लावा आ रहा है, लावा ही लावा लावा ही लावा। ओके यहाँ पे भी बेड रॉक आ चुका है, मतलब मेरे को कोई एशियन डैमेज दिख जाए यार एक प्लीज़, एक तो मिल जाए कम से कम, एक और मिल जाए। एक सेकंड ऊपर है क्या, ऊपर भी नहीं है पर यहाँ पे मिल सकता है, चांसेस हैं मिलने के। एक सेकंड रुको मेरे को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं पे मिल जाए। होगी तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले एरिया में सिर्फ दो ही होंगे, तो मेरे को दो तो यार देखो मिल गए। एंड मैं आया कहाँ से था, मैं यहाँ से आया था किधर से आया था मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। होगी तो गाइस अभी मैं माइनिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ एंड मैंने सामने की साइड भाई टीएनटी लगा दिया और मैं भाई काफ़ी दूर लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरा नेदर पोर्टल है, तो मैं अभी एक में लगाने वाला हूँ। एंड अभी मैंने बहुत सारे टीएनटी भी ब्लास्ट किए थे पर मेरे को एक भी भाई एंशेंट एवरेज नहीं मिला, एंड अभी यार एक दो तो मिल जाए तो काफ़ी हो जाएगा। मैं काम कर दूँ पहले फटाफट से भाई खाना वगैरह खा लेता हूँ। ओहो भाई क्या ही गंदी दवाई मुझे, एक मिनट लावा तो नहीं आ रहा, लावा तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास एक ही पोशन रह गया एंड अभी मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा जब तक मेरे को कोई एशियन डैमेज ना दिख जाए, तो मेरे को अच्छे से पहले चेक करना पड़ेगा शायद एक आध मेरे को मिल जाए। ओके देखना पड़ेगा आराम से बिल्कुल आराम से देखना है, क्योंकि अगर मैंने जल्दबाजी दिखाई तो मैं लावा के अंदर भी गिर सकता हूँ एंड अभी मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है। और मैं आप लोग को बता दूँ मैंने बहुत सारे टीएनटी ब्लास्ट कर दिए, मेरे को एक भी नहीं मिला भाई, एक भी सही में एक भी, इतने सारे मैंने टीएनटी एक साथ भी ब्लास्ट किए, मेरे को आराम से देखना पड़ेगा। ओके नीचे की साइड देख रहे हो चारों तरफ लावा ही लावा हो चुका है, यहाँ पे एक भी एशियन डैमेज नहीं है। एंड अभी मैं कौन से फेस में हूँ, ओके मैं 13 पे हूँ कि मैंने 14 पे भाई माइनिंग की थी, तो मुझे लगता है यहाँ तो एक भी नहीं मिलने वाला है, नीचे के साइड भी एक भी नहीं है, तो मुझे लगता है यार यहाँ ना जाना ही बेकार है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लावा है और यहाँ ना रिस्क भी हो सकता है। इधर एक भी नहीं है, ओके गोल्ड है यहाँ पे, गोल्ड मैं ले लेता हूँ, गोल्ड मैं आराम से यहाँ से ले सकता हूँ। एक सेकंड रुको, ओके यही फॉर्चून 3 की पिकैक्स है ना, ओके मैं गोल्ड तो आराम से यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी चेस्ट खाली कर दी है। ओके आप लोग देख सकते हो मेरे को 8 यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी ऊपर चलो ऊपर चलो, ये क्या चीज़ है, ओके तो ब्लैक ऑफ स्टोन है मेरे को लग रहा है। अरे अरे भाई नीचे ना गिर जाऊँ मैं, ओके इसको ही तोड़ के देखते हैं शायद इधर कहीं मेरे को मिल जाए। एक काम करते हैं ना यहाँ पे 2-3 TNT लगा देते हैं, इतना सही है, ज़्यादा ना हो जाए मेरे, ज़्यादा ना हो जाए, मेरे को यही डर लग रहा है कि ऐसा ना हो यहाँ बहुत ज़्यादा लावा आ जाए। मैं एक काम करता हूँ ना मैं इधर हो जाता हूँ, अगर लावा आ गया ना मैं यहाँ पे तुरंत लगा दूंगा ऐसे करके, मैं बंदी कर देता हूँ, एक काम कर दो पहले बंदी कर देता हूँ। ओ भाई अच्छा रहा मैंने, अच्छा रहा यहाँ नहीं खड़ा हुआ था, अगर मैं यहाँ खड़ा होता तब क्या होता मेरा भाई, सारा का सारा तबाह हो गया। एक सेकंड रुको,
एक सेकंड, टीएनटी ब्लास्ट करने में बहुत मजा आ रहा है, एशियन डेवरेज मिले या ना मिले, ब्लास्ट करने में सही में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। एक मिनट को, मैंने गलत यहाँ पे भाई ले रखी है पिकैक्स, ये वाली पिकैक्स मेरे को यूज करनी। अबे अबे एक मिनट रुको, ओके इसको ले ले क्या, चलो इसको ही ले चलो यार, एशियन डेवरेज नहीं मिल रहा, ये कम से कम कोई बिल्डिंग बनाने का काम आ जाएगा। ओके मैं इस साइड भी लगा ही देता हूँ, जब मैंने यहाँ हटा दिया ना, इस साइड भी मैं लगा देता हूँ। एक सेकंड रुको, नीचे नीचे मेरे को इधर ना अच्छे से चेक करना पड़ेगा यार, एक तो मिलना चाहिए था, इतने सारे टीएनटी मैंने लगाए एक को भी नहीं मिला। अभी मैं ना यार 12 लेवल पे करूँगा, फेस 12 फेस पे करने वाला हूँ, क्योंकि 14 पे तो मेरे को कोई मिल नहीं रहा है। सामने की साइड में एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं नीचे आ ही गया हूँ। एक काम ना करें, हम लोग सामने की साइड भी लगा ही देते हैं टीएनटी, ठीक है, एक या ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ओके मैं ना जल्दी से लगा के भागने वाला हूँ, मेरे को भागना किधर है मैं एक बार देख लूँ, किधर से हम लोग आए हैं, मेरे को रास्ता देखना पड़ेगा। अभी मैं भाई रास्ता भूल रहा हूँ, एक सेकंड। ओके मेरे को ऊपर रास्ता किधर है, एक सेकंड रुको यार। ओके मैं एक काम कर दूँ ना, यहाँ पे प्लैंक लगा देता हूँ, जिससे मेरे को ना रास्ता याद रहे। प्लैंक से क्या रहेगा ना, रास्ता याद रहेगा। मैंने यहाँ सीढ़ियाँ टाइप बना दी है, जिससे ऊपर भी जा सकता हूँ, टूट जा भाई। ओके तो मैं फटाफट से वहाँ पर ना लगा के यहाँ पे भाग के आ जाता हूँ, ठीक है। पूरी सीढ़ियाँ जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, मैं फिर यार यहाँ पे ज़्यादा ही लगा देता हूँ, जगह भी बहुत बड़ी है, शायद हम लोग को कोई ना कोई यहाँ पे मिल जाए, शायद, कंफर्म नहीं है यार, देखो। ओके मैंने जला दिया जला दिया जला दिया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बचपन में पटाखे नहीं फोड़ते थे, मतलब सीधे उसमें आग लगा के हम लोग को भागना है, ऐसा ही कुछ चाहिए। मतलब तुरंत फ्लिंट लगाओ और तुरंत ही भाई वहाँ से दौड़ लगा दो। ओह तेरी, मतलब जो दवाई भाई टीएनटी से मच रही है ना, मज़ा ही आ जा रहा है उस दवाई से। तो यहाँ पे हम लोग को कोई नहीं मिला, मतलब बहुत दूर माइनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं निकला। मुझे लगता है अभी हम लोग को ऊपर के साइड दोबारा से जाना पड़ेगा, यहाँ से देख रहे हो कितना मैं नीचे आ रखा हूँ। एंड अभी हम लोग दोबारा से ऊपर चलते हैं एंड दूसरी लोकेशन पे माइनिंग करते हैं। होगी तो गाइस, अभी मैं यहाँ से माइनिंग करके काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ एंड करीब मैं भाई 20-30 टीएनटी फोड़ चुका हूँ और अभी मेरे को एक भी नेदर राइट नहीं मिला, मतलब समझ रहे हो, एक भी नेदर राइट। मुझे लगता है भाई इकट्ठे मेरे को 2-3 मिल गए, उसके बाद तो मेरी किस्मत ही काम नहीं करी। मैं फिर से यहाँ पे लगा के भागने वाला हूँ, भागो 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 भागो। तो हम लोगों ने यहाँ पे जगह बना लिया एंड हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करने वाले हैं। ओके एक सेकेंड रुको, यहाँ पे पिगलिन भी है तो मेरे काम करना। ओके ऐसे खड़े हो जाता हूँ। ओके अब तो प्लीज़ मिल जाइयो भाई, मिल गया मिल गया मिल गया, एक तो मिल गया, कम से कम एक मिल गया। नेदर राइट ही है ना, कुछ और तो नहीं। ओके फाइनली एक और नेदर राइट मिला और मैंने ना कम से कम 3-4 बार माइनिंग कर ली, बहुत सारे टीएनटी ब्लास्ट कर दी, मेरे को एक भी नेदर राइट नहीं मिला, सही में एक भी नेदर राइट। इसको माइन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे और भी टीएनटी लगाऊंगा। एक मिनट रुको, तो हम लोग फटाफट से इसको माइन कर लेते हैं। यहाँ यार एक से ज़्यादा निकल जाना प्लीज़, एक से ज़्यादा मिल जाए। ओ भाई एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है भाई, दो हो गए दो हो गए, दो तो फाइनली हम लोग को मिल चुके हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, दो मिल गया ना मेरे को, एक सेकंड। ओ भाई दो मिल गया, एक सेकंड हो गया। फ्लिंट हटाओ फ्लिंट हटाओ, देख रहे हो नैदर रैक भरा पड़ा है भाई मेरा, भरा पड़ा है। एक सेकंड मैं एक काम कर दो ना, मैं ना यहाँ पे और लगाने वाला हूँ, और लगाने वाला हूँ, शायद मेरे को और भी मिल जाए। तो मैंने और लगा के ना, इतने लगा के मैं भागूंगा उस साइड। तो मैं काम कर दो ना, पहले मैं वहाँ रास्ता बना देता हूँ चढ़ने का, क्योंकि अगर चढ़ने का रास्ता नहीं बना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ऊपर जा ही नहीं पाया ना तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी मेरी यहीं पे, और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके ओके तो भाई जब भी मैं फाइनली यहाँ से भाग सकता हूँ तो जल्दी से मेरे को काम क्या करना है, बस मेरे को उसको चालू करके आना है, मतलब ओके किधर से किधर से किधर से, गलत आ गया गलत आ गया, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ओके तो फटाफट से ऑन करके, ओ भाई 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 भाई, जल्दी 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 जल्दी। ओके तो मैंने 4 या 3-4 भाई वहाँ पे टीएनटी लगाया, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ओ भाई आगे बताना आगे बताना आगे बताना, लावा ना मिल जाए बस, लावा ना मिले। ओके लावा तो नहीं है ना, ओके लावा नहीं है। मैंने करीब 2 स्टैक टीएनटी भाई ख़त्म कर दिए हैं एंड मुझे लगता है शायद मेरे को 8 या 6 नेदरराइट मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले। नीचे चले गया, एक सेकंड रुको, यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं क्राउच करके। और इस काम में ना यार बहुत ही मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो बोरिंग हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है,
मैं एक काम करूं कि मैं और यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं। वैसे यार देखो बहुत कम चांस है, जिस जगह पे दो मिल जाते हैं या तीन मिल जाते हैं उसके बाद उस जगह पे बहुत कम चांसेस रहते हैं मिलने के। तो मैं एक काम करता हूँ, देख रहा हूँ कितना ऊपर से मैं आया, तो जल्दी जल्दी से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं एंड किसी नई लोकेशन पे चलते हैं। मतलब माइनिंग करते करते TNT लगा लगा के ना मैं थक गया हूँ, तो ऊपर चलते हैं जल्दी जल्दी से। ओके तो गाइस अभी हम लोग 15, 14, 12, ओके अभी बिल्कुल हम लोग सही आ चुके हैं, 12 लेवल पे आ चुके हैं। मैं एक काम करते हैं इसको हम लोग फटाफट से बंद करते हैं एंड अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओ तेरी, यहाँ पे मेरे को मिल चुका है एक एशियन डेविल्स। मतलब बहुत सही, मतलब मेरे को यहाँ पे TNT लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई, टूट जा टूट जा। बहुत सही, ओके मेरे को तीन यहाँ पे मिल चुका है। एक काम करता हूँ ना यहाँ पे मैं अब TNT भी लगा ही देता हूँ, फिर TNT लगाने से क्या होगा शायद यहाँ पे और भी मेरे को मिल जाए। तो एक काम करते हैं मैं थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जगह बना लेता हूँ खड़े होने की, यहाँ मैं खड़े हो जाऊँगा अगर लावा आता है तो। एक सेकंड रुको, शायद यहाँ मुझे और भी मिल सकते हैं अगर एक मिला है तो। एक सेकंड शील्ड लेना मेरे पास, आ जा बेटा लावा आएगा ना तो मैं फटाफट से यहाँ पे लगा दूंगा भाई, मैं नेदर रैक जो मेरे पास है। अबे भाई ब्लास्ट हो गया, ओके ब्लास्ट हो गया, बहुत सही, लावा तो पक्का आने वाला है। और रे भाई लावा की पूरी नदी है नीचे, लावा कहाँ से आएगा, पूरा का पूरा लावा की नदी है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा आसपास, शायद मुझे कोई मिल जाए। एक सेकंड एक सेकंड, एक ही था यार यहाँ पे, एक ही था वो भी। मतलब देख रहे हो मतलब मैं सीधे माइनिंग करते हुए जा रहा हूँ, मेरे को डायरेक्ट मिल गया। मैं काम कर दो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना यहाँ पे और भी लगाने चाहिए, शायद मेरे को यहाँ पे और भी एशियन डेवलप्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ लावा को बंद करने की। ओके लावा शायद बंद हो, ओके बंद हो गया, बंद हो गया, शायद बंद हो जाए। अब मैंने क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला, इधर लावा था ना, यहाँ लावा था यार, यहाँ नहीं लगाऊंगा मैं, ऊपर की साइड लगा देता हूँ एंड मैं एक लगा के ना भागने वाला हूँ उधर। तो बीच में तो लावा है, एक सेकंड रुको, लावा यार मैंने अभी, मेरे पास पोशन तो एक पड़ा है पर मैं अभी उसको पीना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसको बाद में पीऊँगा। सो अभी मैं इसको यहाँ से वही स्टार्ट करके भागने वाला हूँ। अभी मैं चढ़ नहीं पा रहा, चढ़ नहीं पा रहा, लावा ना आ जा, लावा ना जाओ। ओके ओके मैं आ गया आ गया आ गया, बहुत सही। अभी ये ब्लास्ट हो जा हो जा हो जा हो जा, बस लावा ना यहाँ से। ओके लावा, ओ भाई लावा आना स्टार्ट हो गया है यार, मतलब देख रही हूँ लावा ही लावा चारों तरफ से आ रहा है। तो मुझे लगता है ना यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक काम कर देना, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं लगाता हूँ नेदर रैक को और दूसरी साइड में हम लोग माइनिंग करते हैं, शायद उस साइड मेरे को कुछ मिल जाए। एक सेकंड रुको, हम लोग आए किधर से थे? ओके हम लोग यहाँ से आए थे, मुझे ज़्यादा माइनिंग नहीं करनी, थोड़ी सी माइनिंग करनी पड़ेगी। ओके मैं यहाँ पे TNT लगा देता हूँ, दो TNT लगा दे, मुझे लगता है 2 TNT से मेरा काम हो जाएगा और मैं पीछे खड़े हो जाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं खड़े हो जाता हूँ, गोल्ड नीचे पड़ा है पर मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ एंड अगर इधर से लावा आएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगा आराम से। एंड यार यहाँ पे मिल जाए प्लीज एक दो, ओ भाई मेरे को मिल गया, कितने है, कितने है, कितने है? वो भी तो गाइस मुझे यहाँ पे करीब तीन, ओ भाई तीन मेरे को एशियन डेविल्स मिले, बहुत सही। फटाफट से मेरे को एक मिनट रुको, पहले मैं इसको बंद करता हूँ, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। तीन मेरे को एशियन डेविल्स मिल गया, मतलब बहुत ही सही। एक मिनट यहाँ से पहले मैं पूरा का पूरा रास्ता बना लेता हूँ, नीचे की साइड बहुत ज़्यादा लावा आ रहा है। एक सेकंड भाई लावा मेरे ऊपर ना गिर जाए, पहले पूरा का पूरा रास्ता बना लेता हूँ यहाँ पे। होगी तो गाइस मुझे लगता है यहाँ से रास्ता बन गया है एंड अभी मेरे को ऊपर के साइड चलना चाहिए एंड यार नीचे ना गिर जाए, मुझे डर लग रहा है। एक सेकंड रुको यार मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एशियन डेविल्स नीचे ना गिर जाए। यार देखो नीचे गिर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नीचे बहुत ज़्यादा लावा है तो मुझे ना यहाँ पे ना चारों तरफ जगह बनानी पड़ेगी, अच्छे से कवर करना पड़ेगा जिससे ना नीचे ना गिरे। इधर से मैं कवर कर लेता हूँ एंड वही देख रहे हो किस्मत, एक साथ तीन तीन मिल गए और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह एंड दो ऊपर के साइड है। देख रहे हो किस एंगल से भाई लगे पड़े। सबसे पहले तो ना इसको ही कलेक्ट करने वाला हूँ। यार दिक्कत की बात क्या है, मेरी पिकेक्स भी भाई टूटने वाली है। अभी मिल गया मिल गया। ओके तो गाइस अभी मेरे पास चार हो चुके हैं एंड ये दो कलेक्ट किए, मेरे पास छः हो जाएंगे इधर गए। तो जल्दी से इन दोनों को भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब देख रहे हो भाई क्या ही मस्त वाला सीन है, मेरे को तीन तीन एक साथ एशियन डेविल्स मिले एंड डब्बी मेरे पास टोटल 6 हो चुके हैं एंड साइड चेस्ट में भी मैं 6 रख के आया था तो टोटल हमारे पास 12 एशियन डेविल्स हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार यहाँ पे और भी मेरे को TNT लगाने चाहिए क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे TNT हैं, क्या पता और भी मिल जाए। वैसे चांसेस तो बहुत कम होते हैं पर फिर भी यार देखते हैं, अगर मिल जाते तो मज़ा आ जाएगा अपने को। एंड मैं ना एक साथ बहुत सारे TNT यहाँ लगाने वाला हूँ, बहुत ही सारे TNT। ओके ख़त्म हो गया क्या? नहीं 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 है, मेरे पास एक स्टैक और बचा है। मैंने तीन स्टैक अपने साथ लेके आया था, बाकी मैं चेस्ट में रख के आया था और देख रहे हो मतलब सारे के सारे TNT खत्म हो गए। तब जाके मेरे को शायद 10 या 12 मिनट, ओके एक मिनट, वो आग लगी किसी में, आग लगी। अबे आग लगने से तो नहीं फटता ना,
उसमें आग लग गई भाई टीएनटी के अंदर। ओके भाई टीएनटी में आग लगने से, ओ भाई अच्छा रहा वहाँ से भाग क्या कर रहा, वहाँ से भाग के निकलता ना मेरा वहाँ काम हो रहा था भाई पक्का। देख रहे हो क्या गंदा वाला सी। ओके तो गाइस मेरे को अभी 2 एशियन डेवरेज मिल गया भाई, क्या ही मस्त वाली चीज़ है, मतलब मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। पर टीएनटी भी मैंने देख रहे हो कितने सारे लगाए, तो मैं एक काम करता हूँ ना, उस साइड जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरा का पूरा यहाँ से ब्रिज बनाना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ तक अच्छे से जा पाऊँ। और मैं ना रिस्क नहीं ले सकता भाई, मेरे पास पहले से 6 है, अगर मैं मर गया ना तो पहले तो मेरी एक्सपी जानी है, साथ साथ टीएनटी भी चले जाएंगे जो हमारे पास टीएनटी। एक सेकंड रुको, इसी से नीचे चलते हैं और आराम से। ओ तेरी, ओ भाई मैं डर गया। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जो पोशन है फटाफट से मैं पी लेता हूँ पोशन भाई, अपने को बचा के कुछ ही नहीं रहता, मैं इसको पी लेता हूँ कम से कम, मैं बच तो जाऊँगा। ओके तो मैंने इसको भाई पी लिया फाइनली। एंड अभी हम लोग को किधर जाना है, यहाँ पे मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा नीचे जाके मेरे को ये मिला। एक सेकेंड। ओके हम लोग पहुँच गए। मैं इसको फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास टोटल 8 हो चुके हैं, काफ़ी सारे अपने पास एशियन डेवरेज हो चुके हैं, मतलब मिले तो यार देखो सही बताओ ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार इनको ढूंढने में, एकदम से नहीं मिले, 8 हो गए ना मैंने दोनों के दोनों यहाँ से कलेक्ट कर लिए। एंड मुझे नहीं लगता और यहाँ मिलेंगे, तो मेरे को अभी यहाँ से निकलना चाहिए, और मेरे को ना लावा से अभी बचने की कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से मतलब दिक्कत नहीं होगी मेरे को लावा से, कोई भी आराम से जा सकता हूँ, मतलब आराम से पानी के जैसा हो गया लावा अपने लिए, आराम से लावा के बीच में से वो होके जा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ओके होगी तो गाइस अभी जो भी हम लोग को एशियन डेवरेज मिले हम लोगों ने अपनी चेस्ट के अंदर उठा के रख दिए, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मेरे को नेदर में क्या क्या चीज़ मिल गई है। तो अभी आप लोग पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे टीएनटी रखे हुए हैं, एंड मैं बहुत सारे टीएनटी और भी लेके आया था, वो सब मैंने ब्लास्ट कर दिए, पर मेरे को अभी भाई 14 एशियन डेवरेज मिले हैं और टीएनटी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करे। गोल्ड मेरे को मिल गया है, नेदर कर्ट्स मेरे को मिले हैं भाई, मेरे को ग्लू स्टोन मेरे को मिल गया, एंड यहाँ पर मेरे को शूम लाइट मिल गई, तो ये चीज़ काफ़ी सेव। बाकी मेरे को मैग्मा ब्लॉक भी एक दो मिले थे पर मैंने कलेक्ट नहीं किया, एक ही मैंने कलेक्ट किया। एंड मैं फिर से नीचे के साइड चलता हूँ, एंड मैं एक काम करता हूँ ना, मैं खा लेता हूँ भाई गोल्डन कैरेट को, अभी नहीं खा सकता, तो अभी मैं गया था इस वाली डायरेक्शन में, तो मेरे को फिर से इधर के साइड ही जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी इसी इधर के साइड जाता हूँ, एंड मेरे को फिर से नीचे के साइड जाके माइनिंग करनी पड़ेगी। देख रहे हो कितना ज़्यादा नीचे है, तो मैं यहीं कहीं पर नीचे जाता हूँ। एक सेकंड रुको, हम लोग यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं ना, एक सेकंड रुको, हम लोग यहाँ से ना नीचे जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सही, ओ भाई बच गया। तो मैं ना यहीं कहीं पे नीचे जाने के बाद माइनिंग करता हूँ, और नीचे जा सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं ना और नीचे चलते हैं हम लोग यहाँ से। क्या मैं ना खाना खा लेता हूँ फटाफट से, इसको मेरे को मारना पड़ेगा, मैं इसका नाम बोल गया इसको जो भी बोलते हैं। एक मिनट रुको, मेरे को इसको पेलना पड़ेगा इससे पहले मेरे को आके कुछ। एक मिनट रुको, बच गया वो, इससे पहले वो मेरे को आके मारे मुझे उसको मारना पड़ेगा। अबे मर जा भाई मर जा, कितनी देर मरेगा। अरे 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 भाई एक और आ रहा है, उसका रिश्तेदार मेरे को मारने आ रहा है। एक सेकंड, मेरे को ऊपर निकलना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरी एरोज इतना स्लो क्यों जा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को इसको मारना पड़ेगा, अगर मैंने इनको मारा नहीं तो ये मेरी बैंड बजा देंगे बहुत गंदी तरीके से। ओके वो वाला तो गया, कि मेरी एरोज से इतना ज़्यादा स्लो जा रहे हैं या फिर एरोज जा इतना स्लो रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके खत्म, फाइनली खत्म हो गए, तो अभी नीचे के साइड चलते हैं। होगी तो गाइस अभी हम लोग 14 लेवल तक आ गए, एंड मेरे को ना थोड़ा सा पीछे जाना है यार, यहाँ से लावा तो नहीं है ना। ओके लावा नहीं है, ओके तो इतना पीछे काफ़ी है, एंड अभी फटाफट से फ्लिंट यहाँ पे लगाऊँ एंड पीछे के साइड आ जाओ, क्योंकि अगर लावा आता है तो मैं एक अपने हाथ में नेदर रैक ले लेता हूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा। बहुत सही, ओके तो हम लोग ऐसे बच सकते हैं। ओ भाई मिनट को, ओहो तेरी क्या ही खतरनाक वाला, यहाँ पे गड्ढा हो गया। ओके लावा की तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। एक सेकंड रुको, मेरे को अच्छे से देखना पड़ेगा कुछ है क्या यहाँ पे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मेरे को लग रहा है ना इस साइड में अगर मैं लगाता हूँ तो शायद मेरे को एशियन डेवरेज मिल जाए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक मिनट रुको, तो इस साइड चल के लगाते हैं हम लोग, इसको रास्ते से हटाओ। एंड जो मेरी पिकैक्स है ना भाई उसने दम तोड़ दिया है, तो मेरे को जल्दी जल्दी इसे ढूंढना पड़ेगा। मैं एक लाइन से बहुत सारे टीएनटी लगाने की सोच रहा हूँ मैं तो। अरे भाई टीएनटी में आग लगी, मुझे भागना पड़ेगा। ओ भाई 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 बच गया। अभी मैं मरता भाई, अभी मैं बहुत गंदा मरता, क्योंकि जो टीएनटी है शायद उनके अंदर आग लग गई है कैसे भी करके, अभी वो ब्लास्ट होने वाला है। ओके मेरे को बात आ रही, ओके हो गया ब्लास्ट। ओके सारे ब्लास्ट नहीं हुए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लगे थे। ओके अब हुआ एक सेकेंड रुको, केक अभी हो रहा है भाई, क्या ही गड्ढा हो रखा है, क्या खतरनाक वाली केक बन गई। एक मिनट रुको, अभी कोई तो नहीं बचाना,
अरे, अभी भी बचे हुए यार, मेरे को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे सारे ब्लास्ट होते हैं उसके बाद मैं जाता हूँ। होगी तो गाइस, अभी फिलहाल वो तीनों की तीनों टीएनटी फूट चुके हैं, और यहाँ देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे ब्रिज टाइप का बनाया था वो पूरा यहाँ पे टूट गया है, तो मेरे को आगे करके लगाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, ओके अभी मैम देखते हैं। कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी, खाली जगह पूरी, कोई खाली जगह पड़ी है। एक जरा सा हम लोग को भाई एशियन एवरेज नहीं मिला, एक छोटा सा एशियन एवरेज। मैं काम करता हूँ ना, क्यों ना हम लोग आगे जाएँ जहाँ से लावा आ रहा है, उस साइड में हम लोग आगे जाके देखें, शायद हम लोग को कुछ वहाँ पे मिल पाए। चलो, ओ भाई उसमें आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अभी ना बहुत सारे मैंने लगाए, अगर ये सारे फूटेंगे तो शायद मुझे एक आध एशियन एवरेस्ट मिल जाए, या फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं। एंड इधर ही ना मैं मुझे सोच रहा हूँ कि जब मेरा 40 बजे ना, 40 के फोटे यहीं पर फोड़ दूँ, ज़रूर मेरे को कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। एक मिनट रुको, शायद किसी में आग लगी थी या नहीं लगी थी मुझे नहीं पता। ओके ओके, एक में और लग गई, एक में और लग गई। एंड अगर इस वाले में आग लगती है ना, सब में आग लग जाएगी मेरे ख्याल से। ओके, फट जा 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 फट जा। अबे अबे फिर से आग लगने लगी यार, अबे अबे। ओके एक और में और लग गई, एक में और लग गई। मैं तुम लोग को पास ही जाऊँ। ओ तेरी, सारे ब्लास्ट हो गए, सारे ब्लास्ट हो गए जितने भी वहाँ पे हैं। ओके ओके, शायद कुछ मिल जाए अभी हम लोग को, शायद कुछ तो मिल जाना चाहिए यार। एक सेकेंड रुको। ओके कुछ भी नहीं मिला, बेड रॉक तक मेरे को दिखने लगा, पर मुझे एक भी एशियन डेब्रिस यहाँ से नहीं मिला। फ्लिंट मुझे दिख रहा है, कुछ भी नहीं मिला यार, देख रहे हो कुछ भी। ओके देखो 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 देखो। ओके गाइस मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार दूर। ओके ओके, एक दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। यार कहाँ कहाँ पे छुपे होते हैं ये, कहाँ कहाँ पे छुपे छुपे रहते हैं, देख रहे हो कहाँ अंदर छुपा हुआ है यार, कितना अंदर जाके। एक सेकंड रुको, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। ये रहा, एक ही है ना, एक ही है यार यहाँ, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे। मैं पहले एक को निकालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे टीएनटी लगाऊंगा। पहले मैं एक को निकाल लेता हूँ, फिर टीएनटी लगाने वाला हूँ मैं। पहले इसको मैं निकालूँ, फिर यहाँ टीएनटी लगाने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार की तरह शायद एक से ज़्यादा मेरे को मिल जाए। ओके आ जा, अभी मैं टीएनटी लगा कर ना यहाँ से भागने वाला हूँ उधर को, ठीक है। शायद एक से ज़्यादा हूँ वहाँ पे, एक से ज़्यादा हुए तो मेरे को मिल जाएंगे। एंड अभी मेरे पास 12 टीएनटी रह गया, मैं इनको भी वहाँ पे रखने वाला हूँ, मतलब यहीं पे मैं पूरा ब्लास्ट करके जाने वाला हूँ। मेरे पास कितने हो गए, मेरा दो यहाँ। ओ तेरी, यहाँ से लावा ना आ जा कहीं से। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही हो गए, देख रहे हो तब भाई क्या गंदी मचा रखी मैंने। एक सेकेंड मैं काम कर रहा, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अभी देख रहे हो पूरे में क्या हाल कर रखा, मतलब देख रहे हो मैंने भाई पूरा नेदर का क्या हाल कर रखा, बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। तो यहाँ पे तो यार एक एशियन एवरेज है, पर वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरे को। मैं किधर से, ओके मैं इधर से ऊपर जाने वाला हूँ ना, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से होते हुए। होगी तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपनी चेस्ट रखी है। फटाफट से अभी हम लोग नेदर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा सामान हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 21 एशियन एवरेज हो चुके हैं, एंड दो मेरे को भाई वहाँ पे मिले थे, 23 मेरे पास हो चुके हैं। मेरे पास टीएनटी भी बहुत सारे, टीएनटी मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा, मैं भाई काम की चीज़ें लेके जाने वाला हूँ, कोल वगैरह सारी चीज़ें मैं ले जाता हूँ अपने साथ, खाने का सारा सामान ये सारा ले जाता हूँ, टॉर्चेस वगैरह। ओके मैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पर छोड़ के जा सकता हूँ, टीएनटी को मैं और छोड़ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे टीएनटी है, मैं गोल्ड यहाँ से लेके चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे भाई इसको छोड़ के चले जाता हूँ। नेदर रैक मैं बाद में आके ले जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यार आज 23 भाई हो चुके हैं एशियन एवरेज। बाकी हम लोग दोबारा से आएंगे नेदर के अंदर, एंड दोबारा से भी हम लोग भाई ढूंढेंगे एशियन एवरेज को। हमको ना बहुत सारे चाहिए, मतलब अपने को पूरा का पूरा सेट बनाना है भाई नेदर राइड का, तो दोबारा से मुझे लगता है हम लोग को आना पड़ेगा एशियन एवरेज को ढूंढने। बाकी अभी फटाफट से चलते हैं, क्योंकि जो हमारी पिकेक्स है, मतलब डायमंड पिकेक्स है भाई, वो टूटने ही वाली है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं काम करता हूँ जल्दी जल्दी से, मैं उस साइड से जाता हूँ सीधे भाई घर की तरफ को। अभी भाई आराम से धक्का धुक्की नहीं, धक्का धुक्की नहीं, मतलब काफ़ी देर से हम लोग नेदर के अंदर हैं, मुझे नहीं पता हमारे वाले वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा। एक मिनट, ओके मैं तो बाहर यहीं से आ गया, मैं भाई घर के अंदर क्यों नहीं जा पाया। एक मिनट रुको, दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ, ये क्या सीन हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। एक सेकेंड रुको, अभी मैं देखता हूँ चल के। अभी तो गाइस अभी हम लोग अपने वर्ल्ड में वापस आ चुके हो, और ये नेदर पोर्टल यहाँ कैसे आया। अभी मैंने तो नेदर जो पोर्टल बनाया था, वो नेदर पोर्टल मैंने बनाया था भाई वहाँ पे, ओके ये वाला पोर्टल तो मैंने बनाया ही नहीं, अपने आप कैसे बना भाई।
मतलब मैंने नेदर पोर्टल बनाया था जहाँ पे मेरे विलेजर का मॉडर्न हाउस है, मैंने वहाँ पे बनाया था, एंड ये यहाँ पे कैसे बना, मतलब ये तो अलग ही सीन हो गया। मुझे नहीं पता यार ये यहाँ पे कैसे बना, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। बाद में चलो बाद में दोबारा से नेदर में जाएंगे तो देखते हैं हम लोग दोबारा से कहाँ पे आते हैं। बाकी अभी फटाफट से हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे को उस वाले नेदर पोर्टल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो मैं काम करूँगा, मैं उसको बाद में तोड़ दूंगा, क्योंकि हम लोग को जो हमारा अनलिमिटेड गोल्ड फार्म है उसको भी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी फटाफट से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग भाई नेदर के अंदर बहुत सारे टाइम मतलब भाई रह के आए हैं और हमारी एक्सपी भी कम नहीं है, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमें नेदर के अंदर सर्वाइव किया। बाकी फटाफट से ऊपर चलते हैं। अभी मेरे को नहीं पता हम लोग इतने सारे एशियन डेवरेज का क्या बना सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके यार शुरू बता रहे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करें, इसका क्या क्या चीज़ बनाएं। बाकी मेरे पास जितना भी सामान है मैं सारे सामान को भाई अच्छे से रख दूंगा एंड हम लोग आराम से भाई यूज़ करने वाले हैं। अगर भाई हम लोग को पूरा सूट बनाने में एशियन डेवरेज मतलब नेदरराइट कम पड़ जाता है तो मैं दोबारा से नेदर के अंदर जाऊँगा एंड दोबारा से उसको ढूंढ के कलेक्ट करके लेके आऊँगा। मुझे पता है मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, पर भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, एशियन डेवरेज के लिए भाई मेहनत करना बनता ही है। बाकी यार आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज यार लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके यार शुरू बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी यार डेली माइनक्राफ्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।